नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रयासों से साल 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स यानी इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मैं फसल में भी ऐसे ही पोषक अनाज के फसल में खड़ा हूँ और आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी और इस सूबे के जो कृषि मंत्री हैं, सूबे के माननीय सूर्यप्रताप शाही जी के अगुवाई में किसानों की आय बढ़ाने के लिए तमाम योजनाओं को संचालित कर रही है और इस साल मोटे अनाज वर्ष को के रूप में मनाए जाने को लेकर के सरकार ने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम संचालित किया, जिसके जरिए अनुदान की तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की या हम कह लें कृषक उत्पादक संगठन जो मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की खेती से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बम्पर अनुदान योजना लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार आई है। यह अनुदान योजना क्या है, इसकी पात्रता शर्तें क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि 11 दिसंबर आने वाले 11 दिसंबर के दिन के 12 बजे से 16 दिसंबर की रात्रि 12 बजे तक ये बुकिंग होगी, जो उत्तर प्रदेश के सरकार की वेबसाइट www.upagriculture.gov.in से बुक की जा सकती है और इसकी पात्रता शर्तें क्या हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, जो एफपीओ मोटे अनाज की खेती से जुड़े हुए हैं, ऐसे एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सीड मनी लेकर आई है। उन्हें ऐसे किसानों को एफपीओ को सीड मनी देगी। उनके लिए जो पात्रता शर्त है वह यह है कि उस एफपीओ के पास इस साल कम से कम 100 क्विंटल का भंडारण हो मिलेट्स का यानी मोटे अनाज का। वह मोटे अनाज सावा, कोदो, काकुन, टांगुन सब मिलाकर हो भी सकते हैं या एक ही फसल सकती है। ऐसे एफपीओ को उत्तर प्रदेश सरकार जो है 4 लाख रुपये का अनुदान देगी। दूसरा है मिलेट प्रोसेसिंग सह पैकिंग व विपणन यूनिट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी अनुदान दे रही है और इसके लिए जो पात्रता शर्त है वह यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जिस एफपीओ ने अपने पंजीकरण के 3 साल पूरे कर लिए हैं, ऐसे एफपीओ को उत्तर प्रदेश इस योजना का लाभ देगी। उन्हें क्या करना होगा, उन्हें www.upagriculture.com पर जाना होगा, अपना डिटेल भरना होगा, उनका एक पंजीकरण संख्या मिला होगा जो कृषि विभाग में पंजीकृत किया गया होगा और उसके बाद उनकी जो टर्नओवर है साल, उनका टर्नओवर जो है कम से कम 100 लाख यानी 1 करोड़ का टर्नओवर हो। ऐसे पीओ को प्रोसेसिंग पैकिंग व सह विपणन यानी मार्केटिंग के लिए 50% डीपीआर का डिस्टेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनेगी वो यूनिट स्थापित करने के लिए उसका 50% अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम लागत का 47,50,000 रुपये अनुदान मिलेगा। तो मित्रों, इस योजना का भी लाभ आप उठा सकते हैं। अगर किसी एफपीओ दिसंबर से बुकिंग शुरू होने वाली जो है उसमें एक तीसरी योजना भी है, जो एफपीओ मोबाइल आउटलेट या स्टोर स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अनुदान योजना है। इसके लिए क्या है कि जो मोबाइल आउटलेट खोलना चाहते हैं उसके लिए उन्हें 10 लाख रुपये तक का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन मोबाइल आउटलेट खोलने के लिए उसे पीओ के पास अपने स्वयं का वाहन होना चाहिए। जो लोग स्टोर खोलना चाहते हैं उनको 20 लाख रुपए तक का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन उसके लिए उनके पास एक दुकान होनी चाहिए। साथ ही में एफपीओ का जो खाता है उस खाते में 10 लाख रुपए कैश होना चाहिए, तभी ये अनुदान के पात्र होंगे। तो जो एफपीओ चाहते हैं कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा मिले, किसानों की आय बढ़ा पाए, जो उस एफपीओ से जुड़े हैं जो मिलेट की खेती करा रहे हैं, प्रोसेसिंग के जरिए, पैकिंग के जरिए, मार्केटिंग के जरिए अधिक अपनी आमदनी को बढ़ा पाएँ, किसानों को किसान कंपनियां बना पाएं, ऐसे किसान उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का लाभ करें। चूके नहीं, आने वाली 11 दिसंबर को दिन के 12 बजे से लेकर के 16 दिसंबर के रात 12 बजे तक बुकिंग करें। बुकिंग के लिए जो साइट निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वह है www.upagriculture.gov.in। तो आप भी बुकिंग करें और इसका लाभ उठाएं। साथ ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की भी शुभकामनाएं, क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है, इसके बाद हम 2024 में प्रवेश करेंगे। तो हम चाहेंगे कि 2024 आपके लिए खुशियां लेकर आए और साथ ही जो मिलेट्स की खेती है इसका रकबा इतना बढ़ जाए कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति करे, जिससे माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है और माननीय सूर्यप्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री हैं उनका विजन है वो साकार हो सके। नमस्कार।